शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की शॉर्ट फिल्म द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू का टीजर रिलीज हो गया है। 50 सेकंड के टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, बस एक जर्नी दिखाई गई है। कई सीन्स में सुहाना खान नजर आ रही है। सुहाना इन दिनों पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गई हुई है। खबरें हैं कि पढ़ाई खत्म करने के बाद बॉलीवुड में एंट्री करेंगी सुहाना। बिग बॉस 13 के स्टेज पर सलमान खान की जुबान फिसली। कोयना मित्रा को गलती से कटरीना कैफ कहकर इंट्रोड्यूस करने ही वाले थे कि रुक गए। मंच पर कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने भी अपने आप को पंजाब की कटरीना कैफ कहा और इस पर भी सलमान शर्माए और उनका चेहरा लाल हो गया। एक्टर विजू खोटे का आज निधन हो गया। शोले में कालिया के किरदार से हुए थे मशहूर। विजू खोटे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विजू खोटे की आखिरी फिल्म जाने क्यों दे यारो थी, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। विजू ने हिंदी और मराठी सिनेमा की तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया था। कंगना रनौत ने एक बार फिर से ऋतिक रोशन पर निशाना साधा है। वो चाहती है कि ऋतिक रोशन उनसे माफी मांगे। दरअसल मीडिया प्रोग्राम के दौरान कंगना से पूछा गया कि अगर वो सोकर ऋतिक रोशन के रूप में उठे तो क्या करेंगी। इस पर वो बोली कि मैं कंगना को फोन करके जो हुआ उसके लिए उससे माफी मांग लूंगा। कंगना रनौत ने पहले बॉयफ्रेंड, पहला किस और पहले क्रश के बारे में खुलकर बात की। एक मीडिया प्रोग्राम के दौरान कंगना ने कहा कि उनका पहला रिलेशनशिप 17-18 साल की उम्र में रहा। पहले किस को लेकर उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा मैजिकल टाइप नहीं था, वो अजीब और गंदा एक्सपीरियंस था। पहले क्रश के बारे में कंगना ने कहा कि उन्हें उनके टीचर पर क्रश था। सेक्स को लेकर कंगना रनौत ने दी नसीहत। इंडिया टुडे के इवेंट माइंड रॉक्स 2019 में बात करते दौरान रिलेशनशिप से जुड़े एक सवाल पर कंगना ने कहा कि लोगों को एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर नहीं रखने चाहिए और टीनेजर्स को सेफ सेक्स पर फोकस करना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने कपिल शर्मा से पूछा, 2 करोड़ रुपए लोगे या 6 लड़कियों के साथ मालदीव्स में वेकेशन पर जाओगे। इस पर कपिल ने 2 करोड़ का ऑफर चुना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक इवेंट पर कपिल से इस पर रिएक्शन मांगा गया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस फैशन वीक पर अपनी अदाओं से जादू बिखेरा। इस ग्रैंड इवेंट में ऐश्वर्या राय ने अपनी खूबसूरती और अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया। पेरिस में ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी आराध्या भी थी। एक वीडियो वायरल हुआ जहां ऐश्वर्या आराध्या और मेहमानों के साथ आईफिल टावर के बैकग्राउंड के सामने पोज कर रही है। शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा जोनस बन गई है ज्यादा अच्छी। पति निक के कारण प्रियंका ने शांत रहना सीख लिया है। प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बातें शेयर की है। उनसे पूछा गया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। इस पर प्रियंका ने कहा, शादी के बाद मैं ज्यादा अच्छी बन गई हूँ। मेरे पति बहुत ही शांतिप्रिय इंसान है और मैं बौरा जाती हूँ कभी कभी, तो उनसे मैंने थोड़ा सा शांत रहना सीख लिया है। क्या आलिया भट्ट के ऑपोजिट दिखेंगे कार्तिक आर्यन? ये सवाल सभी के मन में इसीलिए है क्योंकि संजय लीला भंसाली के ऑफिस में कार्तिक आर्यन नजर आए थे। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भंसाली की अगली फिल्म गंगूबाई में आलिया भट्ट के साथ एक्ट करते नजर आएंगे।